आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोलकाता में बने मेट्रो की शुरुआत की हुई है। हालांकि मेट्रो कोलकाता के अंदर 1978 से है, लेकिन ये जो मेट्रो बनी है यह कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ती है, और कोलकाता और हावड़ा शहर के बीच में हुगली नदी है, और ये जो है अंडरग्राउंड मेट्रो रूट बनाया गया है जो कि कोलकाता के इस प्लेनेट को हावड़ा के हावड़ा मैदान के मेट्रो स्टेशन से ऐड कर रही है, और इसकी कुल लंबाई जो है 580 मीटर है। और साथ ही साथ आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो की नई शुरुआत की गई है। इसका भी उद्घाटन जो है वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने ही कोलकाता से किया है। और यह जो है सिकंदरा जो कि एक जगह का नाम है आगरा में, वहां से चल करके आगरा फोर्ट होते हुए या ताजमहल होते हुए फतेहाबाद तक जाएगी, और इसमें कुल 6 मेट्रो स्टेशन है, और इन मेट्रो स्टेशन में 3 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और 3 जो है एलिवेटेड मतलब सड़क के ऊपर बने हुए मेट्रो स्टेशन है। अब इसके साथ ही जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो ये है, वो भी कोलकाता वेस्ट बंगाल से ही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार ने संदेश खली के जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी माने जा रहे हैं शाहजहां शेख को सीबीआई को अभी तक नहीं सौंपा था, और यह वे चाहते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए जांच का काम कर रही है। लेकिन आज दिन में ही वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने 4:15 बजे की टाइमिंग फिक्स कर दी इनके लिए, ताकि ये जो है उस समय तक शाहजहां शेख को और उनके जितने भी केसेज हैं, चाहे वो ईडी ऑफिशियल पर हमले के हो, चाहे वह सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन का केस हो संदेश खली गांव के अंदर, ये सारे केसेज जो हैं कोलकाता की पुलिस को हैंड ओवर करने पड़े हैं आज सीबीआई को। और संदेश खली का जो एक्यूज्ड है शाहजहां शेख, उसको भी सीबीआई ने अपने कस्टडी में ले लिया है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी जो न्यूज है वो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है सबसे पहले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने 2021 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने जो है महिलाओं को, लड़कियों को, घर के जो महिला प्रधान है उनको उन्होंने पैसे देने की व्यवस्था शुरू की थी, मतलब डायरेक्ट उनके खाते में पैसे चले जाएंगे। उनकी इस योजना की वजह से भारत की कई राज्य सरकारें इस फार्मूले को अपनाया और जिससे कि उनको चुनावी फायदा मिला। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हुआ और दिल्ली में भी ऐसा हुआ। बजट में भी महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात की गई है और वेस्ट बंगाल में भी 1,000 रुपए ही देने की बात की जा रही थी। और इस यह जो है एक स्कीम मध्य प्रदेश में, अभी अभी जब विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहां के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस स्कीम को लेकर आए थे लाडली बहना के नाम से, और जिसके माध्यम से इनकी पार्टी को बहुत सारा वोट जो है महिलाओं और लड़कियों का जो है भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। तो ये एक नई रणनीति है कि महिलाओं और लड़कियों का किस तरह से इनका वोट अपने पक्ष में लाया जाए। इसकी शुरुआत तो पश्चिम बंगाल से हुई थी, लेकिन अब ये भारत के बहुत सारे स्टेट में ये फैल चुका है।